आई थी जिसमें कि ये पाइप लीक था। हाउस पाइप, पाइप ठीक है, कटा हुआ है ये। देखो ऐसा पाइप आया तो उसको चेंज ही कर देना चाहिए, पर कस्टमर कह रहा है कि लगा दे इसको ही ऐसे। तो हमने इस पर एना बोर्ड लगाई है, भी एना बोर्ड लगा के इस पाइप को वापस लगा रहे हैं। और वगैरह और कहीं से तो लीकेज है नहीं। ये लगाया ऐसे, वो पेटी में यार लाया ना हो अभी। ये पाइप भी ठीक है, तो यहाँ से लीकेज थी पाइप के अंदर। हमने एना बोर्ड लगा के दो क्लिप लगा दिए इसके अंदर, अब फिलहाल ठीक है। ये PS6 न्यू गाड़ी है, ऊपर से खुल गया ना, खोल दस इसने पूरे ने यहाँ से। अभी तो यहाँ से पानी आएगा अभी इसमें, जैसे कि अभी पानी आया है अभी इसकी एयर निकाल रहे हैं हम। तसला लाना पड़ेगा, तो ये 12 नंबर का नट है जो इसमें हम लगाएंगे। फिलहाल अभी हमने कूलेंट का पाइप भर के लगा दी हमने। अभी कूलेंट गाड़ी को स्टार्ट किया है, देख रहे हैं कैसे लीक तो नहीं है, और टेम्परेचर देख रहे हैं कितना चल रहा है। अभी तो डाउन है, अभी टेम्परेचर डाउन है इसका, फिर देखते हैं पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है। फाइनली टेम्परेचर 4 पर आ चुका है, अभी 4.5 जैसे ही होता है ये फैन चलना चालू हो जाएगा। अभी देखते हैं इसमें हवा निकली है या नहीं निकली है। और पाइप हमारा ठीक है, अभी पाइप में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। यहाँ से हमने एयर निकाल दी है इसकी, एयर भी निकाल दी है और पाइप से भी ठीक है इसका। फिलहाल अभी आप साउंड सुन सकते हैं, इसका पंखा चल चुका है और देखते हैं डाउन करता है नहीं करता है। पंखा चल गया ना, प्रॉपर सही टाइम पर पंखा चला है, ठीक है। तो एक बार इसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं, टेम्परेचर भी 4.5 पे टेम्परेचर पे पंखा चला, और पाइप देख लेते हैं हमारा लीक तो नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, पंखा चल चुका है और इसने कट ऑफ भी मार दिया, पंखे ने मतलब डाउन कर दिया है। और हमारे यहाँ पे जो हमने क्लिप लगाई है उससे भी कोई लीकेज वगैरह नहीं है। चलो